सब्सक्राइब कीजिए इंडियन टेलरिंग को और घंटी पे दबाएं हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको बताऊंगी आगे की प्लेटों के बारे में कि हमें किस तरीके से आगे की प्लेट डालें। हम ये बैक हुक ब्लाउज बना रहे हैं तो इसमें हम कैसे प्लेटें डालें और किस तरीके से प्लेटें डालें जिससे हमारी फिटिंग बराबर आए। जैसे हमने पहले आगे पीछे के दोनों पल्लने काट लिए हैं, अब हम गले को काटेंगे। गले की चौड़ाई हमें चेस्ट के हिसाब से लेनी है। जैसे हमारी चेस्ट 38 है तो हम इसकी गले की चौड़ाई ले रहे हैं, वो 3 इंच की लेंगे। अगर हमारी चेस्ट 32 है तो हम 2.5 इंच की लेंगे। तो हमारी चेस्ट है वो 38 है तो हम ये 3 इंच की चौड़ाई लेंगे गले की। यहाँ पे हम निशान लगा देंगे। अब हम आगे का गले का नाप लेंगे। जैसे हम आगे का गला 5 इंच का या 4 इंच का बनाए तो हम ये गला 5 इंच का लंबाई में बना रहे हैं। तो हम यहाँ से 5 इंच लेंगे और इसमें हम ये गोलाई से इस तरीके से शेप दे दिया हमने गले में। अब ये हमारे आगे पीछे के आरोमल बराबर काटे हैं हमने, तो हमें यहाँ से आधा आधा इंच ज्यादा काटना है आरोमल को। अब हम तीरे का नाप लेंगे। तो तीरा हम यहाँ से 12 इंच पे लेंगे, बीच में हम निशान लगा लेंगे 12 इंच पे, और आगे जो हमारा गला है वहां से हम 11.5। अब तीरे को हम इस तरीके से शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये तो हमारा अस्तल कट गया। अस्तल से हमें 1 इंच कपड़े को ज्यादा काटना है। अब हम इस पे कच्ची सिलाई लगाएंगे। यहाँ से आरूमल से हम इस पे सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमारा कपड़ा ज्यादा है अब हम इसको बराबर कर लें। अब हम यहाँ पे निशान लगाएंगे 9 इंच पे। ये हमने निशान लगा लिया बीच में। अब हम यहाँ पे प्लेट का नीचे वाली प्लेट का निशान लगाएंगे, वो 4 इंच पे लगाएंगे। अब हम प्लेटों को इसमें इस तरीके से निशान लगाएंगे कि हमारी प्लेट का शेप बराबर आए। ये हमारी प्लेट है बराबर पे है। नीचे का निशान हमने 3 इंच पे लिया है। जो हमारी बगदी वाली प्लेट है आरोमल का हमने 6 इंच की, यहाँ से हमारा जो शोल्डर है शोल्डर से हमने 6 इंच की लंबाई पे प्लेट का निशान लगाया है। अब हम इसमें कैंची लगा देंगे। अब हम इसको डबल करेंगे बराबर। हम यहां से भी निशान लगा लेंगे। अब हमें प्लेट की लंबाई जितनी हमें लंबी रखनी है, वैसे प्लेट की लंबाई ज्यादा नहीं है नीचे की।
प्लेट की लंबाई हमने 3 इंच रखी है। अगर आप 2.5 इंच की रखना चाहें तो 2.5 इंच की भी रख सकते हैं। अब हम इसका डालने का तरीका बताते हैं। इसको हमें डबल करना है। डबल करने के बाद हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। जैसे हमारा सीना ज़्यादा है, भारी है, तो हम नीचे के प्लेट 1 इंच लेंगे चौड़ाई में 1 इंच, और इसको कम करते हुए हमें प्लेट को उतारना है। अब हम बगली की प्लेट डालेंगे, तो इसकी भी हमें चौड़ाई 1 इंच लेनी है। इसको भी हमें कम करते हुए उतारना है। इस तरीके से हमें प्लेट को कम कम सिलाई लगाते हुए उतारना है। अब वो आरुमल की प्लेट हम 1/2 इंच लेंगे चौड़ाई में 1/2 इंच। इसी तरीके से हमें दूसरी साइड डालनी है। प्लेट हमारी अच्छी तरीके से डल जाएगी तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल झोल नहीं आएगी, इस तरीके से हो जाएगी। अगर आपकी प्लेट गलत है, आप उसको कम कम करते हुए सिलाई नहीं लगाएंगे, तो यहाँ पे झोल सी आ जाएगी अलग, जो प्लेट आपकी फिट नहीं बैठेगी और आपकी फिटिंग में भी दिक्कत आएगी। इसी तरीके से हम दूसरी साइड डालेंगे। ये हमारी तीनों प्लेटें धुल गई। अगर आप बीच में प्लेट डालना चाहें तो यहाँ पे डाल सकते हैं। वैसे ही पीछे के हुक का ब्लाउज है, बैक हुक, तो इसमें बीच में प्लेट नहीं डालते हैं। यहाँ पे हमें 3 प्लेट डालनी है, 3 प्लेट हमें दूसरी साइड डालनी है। अब हम इसका तीरा लगाएंगे। पहले हम नीचे सिलाई लगाएंगे। अब इसके ऊपर भी सिलाई लगाएंगे हम। अब हम इसको डबल करेंगे। अब हमारा जो कपड़ा ज्यादा है उसको हम काटते हैं। यहाँ पे बीच में निशान लगा लेंगे तीरे पे, और इसको भी हमें डबल करके बीच में निशान लगाना है। अब आप तीरा लगाने से पहले यहाँ पे लंबाई नाप लें। जैसे आपको कितनी लंबाई रखनी है ब्लाउज की, तो आप इस तीरे को छोटा भी कर सकते हैं। जैसे हमें तीरे की लंबाई 13 इंच चाहिए, तो हम इसको सिलाई में दबा दें 1/2 इंच। अभी हम दोनों जोड़ों को, दोनों ये कटे वाले निशान हैं, इसको हम इस तरीके से बीच में मिलाएंगे। और ये प्लेट है जो हमें अंदर की साइड ही दबानी है, इसको हमें इस तरीके से नहीं दबानी है। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंदर की साइड, और यहाँ से हमें सिर्फ प्लेट 1/2 इंच ही दबानी है। ये हमारी प्लेट डल गई, और यहाँ पे बिल्कुल झोल नहीं है, ब्लाउज हमारा एकदम फिट आएगा। प्लेटें अगर आपकी अच्छी तरीके से डल जाए तो ब्लाउज एकदम बराबर आता है। और यहाँ से हमें फिटिंग करनी है पीछे के कॉलर को जोड़ के। तो इसी तरीके से आप आगे वाला जो उक वाला ब्लाउज बनाए, तो आप इसी तरीके से प्लेट डालनी है,
और आपको यहाँ पे एक एक प्लेट आगे वाले हुक में डालनी है। बस इसी तरीके से आप कितना भी चेस्ट का ब्लाउज हो, आपको इसी बात का ध्यान रखना है कि प्लेटों का शेप अच्छा होना चाहिए। प्लेट उतारने का तरीका आपको मैंने बताया, उसी तरीके से आप प्लेट को उतारें। तो ये हो गई हमारी प्लेट की स्टिचिंग। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी इस वीडियो को जरूर लाइक करें ज्यादा से ज्यादा, जिससे हमें पता चले कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।